Hello, I'm Dr. Supla Saxena. I'm a consultant pediatric gastroenterologist and hepatologist at Manipal Hospital, Dwarka. And today I'm going to speak about jaundice in babies, या फिर नवजात शिशु में पीलिया. It is very, very important for all of us to be aware of certain conditions which can cause jaundice in babies, to be aware of certain problems in the family or in the mother which can lead to jaundice in babies. It is very important कि हमें ये सारी चीज़ें पता हो, क्योंकि ये पीलिया अगर टाइम से पकड़ में आ जाता है और इसका सही ट्रीटमेंट हो जाता है तो हम अपने नवजात को कई प्रॉब्लम से, आने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, जिसमें है एक, अगर आपने पीलिया टाइम से नहीं पकड़ा, जिसमें होता है कि उसके ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज होने के चांसेस हैं, उसके लिवर को डैमेज होने के चांसेस हैं. यूजली व्हेन वी से जॉन्डिस, jaundice is the main reason why, you know, the parents consult the physician or the pediatricians or they come for admissions. And most of the time, if it's a physiological jaundice, there is nothing to be worried about, but we should be aware what is pathological jaundice. Pathological jaundice ya severe jaundice kya hota hai ya pilia kya hota hai, wo hum is video ke through janenge. अगर रफली हम देखें तो हम जॉन्डिस को चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, अनदर इज ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, तीसरा है हिमोलिटिक जॉन्डिस एंड लास्ट वन इज द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस यूजली जो होता है ये, इसमें 24 to 48 hours में जो हमारा पीलिया का लेवल होता है वो 24 घंटे या 48 घंटे के बाद बढ़ता है, और जनरली ये 2 हफ्तों के अंदर ठीक भी हो जाता है. ये फिजियोलॉजिकल होता है और इसके लिए कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और बच्चा इसमें 2 हफ्ते में यूजली ये जॉन्डिस कम हो जाता है, आपको ज़्यादा नहीं देखना होता है. लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसमें क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, पहले तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपके बच्चे को बहुत सीवियर पीलिया है. यूजली इसमें पहले 24 घंटे में अगर आपके बच्चे को पीलिया हो रहा है, अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चे की आंखें और बॉडी जल्दी जल्दी पीली होती जा रही हैं, जैसे 3-4 दिन में उसका पीलिया का स्तर बढ़ रहा है, या फिर कोई भी पीलिया जो 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है न्यूबॉर्न बेबीज में, तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, और उसके लिए आपको इमीजिएटली स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए. देर आर सर्टन फैक्टर्स इन मदर और इन फैमिली विच कैन लीड टू दिस पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ सिबलिंग हु हैज अ हिस्ट्री, अगर कोई और बच्चा है जिसको इस तरह की पीलिया की शिकायत है, या फैमिली में किसी को इस तरह की पीलिया की शिकायत है, किसी को फैमिली में हिमोलिटिक डिजीज या हिमोलिटिक डिसऑर्डर है ब्लड का, उसकी वजह से, या किसी की स्प्लीन निकाली गई है, या किसी को पथरी की शिकायत थी, या किसी को भी फैमिली में लिवर संबंधित किसी तरह की शिकायत थी उस बच्चे की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले से ही प्रिकॉशन लें और उसका बिलिरुबिन लेवल टाइम से कराएं. सेकेंडली, अगर मदर को कोई प्रॉब्लम रही है, जैसे हेपेटाइटिस या कोई और वायरल इन्फेक्शन, मदर किसी मेडिकेशंस पे है, जैसे एंटी एपिलेप्सी मेडिसिन, मदर को मिर्गी के दौरे आते थे उस तरह की मेडिकेशन वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फीडिंग के दौरान ले रही है, या मदर कुछ हर्बल मेडिसिन ले रही है जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या मदर को डायबिटीज थी या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म था, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम जो मदर में होती है, मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप मिसमैच होना, उसकी वजह से भी पीलिया हो सकता है. तो ये सब सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे को पीलिया हो सकता है, या बच्चे के लिवर में खराबी हो जो कि जन्मजात भी हो सकती है, अक्वायर्ड भी हो सकती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो लिवर को ख़राब कर देती हैं, तो ये उसकी वजह से भी ये पैथोलॉजिकल वाला जॉन्डिस, जो कि या तो शुरू शुरू में होगा या फिर 2 हफ्ते से भी ज़्यादा अगर जॉन्डिस परसिस्ट कर रहा है, तो आपको बच्चे को तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. अगर बच्चे की डिलीवरी हो गई है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपको उसके स्टूल का कलर देखना है. यूजली नवजात शिशु की पॉटी पहले ग्रीन कलर की होती है, धीरे धीरे ट्रांजिशन होते होते वो येलो कलर की होती है, लेकिन अगर वो स्टूल धीरे धीरे येलो की तरह, येलो ना होके वाइट कलर का हो रहा है, बच्चे को फीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, बच्चा आपका बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, उसका जॉन्डिस का लेवल बढ़ रहा है, या कभी भी उसके
पॉटी में ब्लड आ रहा है, ये सारी कंडीशन ये सिग्निफाई करती है कि उसका लिवर अफेक्ट हो रहा है, उसका लिवर डैमेज हो रहा है और आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ये अवेयरनेस वीडियो इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अगर जॉन्डिस बेबीज में सही टाइम पे पकड़ा जाए तो उसका सही इलाज अभी संभव है, और अगर हमने टाइमली जॉन्डिस नहीं पकड़ा या उसका ट्रीटमेंट नहीं करा तो उसकी वजह से इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है बेबीज में।